हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं ट्रिकी डेरी। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग रिज्यूम बना सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि रिज्यूम की ज़रूरत तो हर लोगों को होती है, स्टूडेंट या फिर कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए रिज्यूम की ज़रूरत पड़ती है। और ये रिज्यूम आप जस्ट 5 मिनट में बना सकते हैं, और वो भी अपने फ़ोन से, कहीं पर भी साइबर कैफे पे या फिर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर बहुत सारा टाइपिंग करनी। आप अपने फ़ोन से ये रिज्यूम बना सकते हैं और उसे PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और कहीं भी आपको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए भेजना है वो भी PDF फाइल करके वो भेज भी सकते हैं आप। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी वेबसाइट है। तो चलो वो वेबसाइट जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले गूगल में जाना है और सर्च करना है resumemaker.online, और इसमें नीचे थोड़ा स्लाइड करोगे तो मिल जाएगा ये वाला वेबसाइट। ये वाले वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपनी बर्थ डेट डालना है, जो भी है आपकी बर्थ डेट। तो सिंपली मैं अपनी और डेट डाल देता हूँ। यहाँ पे नेशनलिटी डालनी है, यहाँ पे अपना एड्रेस, तो मैं यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ, आप अपना सही एड्रेस डाल देना। फिर यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना जो भी है, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना जो भी आप रखना चाहते हो। मैं इसको रैंडम सा डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, कोई भी फ़ोटो। मैं अपनी खुद की फ़ोटो लगा देता हूँ, आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी फ्रंट चेंज कर सकते हो, आपको जो अच्छी लगे वो रख सकते हो। तो मुझे ये फ्रंट ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं ये रखूँगा। आप जो चाहे रख सकते हो, इसकी साइज़ को बड़ा कर सकते हो, मीडियम रख सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन में जाकर आप यहाँ पे और कोई मैरिज स्टेटस और जो भी पेज, एजुकेशन के पेज भी बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ हमने मैरिज स्टेटस मैरिड कर लेता हूँ, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में आप सबसे पहले 10th, 12th, फिर BCom, मैंने तो कॉमर्स किया है, BCom, वैसे ही आप कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी चाहे पेज ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे 12th के बाद यहाँ पे BCom, फिर यहाँ पे नया ऐड करके यहाँ पे नीचे उसके मार्क्स और डाल सकते हो। और ये पेज ऐसे आप जहाँ तक पढ़ाई की है उसके पेज क्रिएट करके रिज्यूम तैयार कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड PDF पे क्लिक करोगे तो ये PDF फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऑप्शन आ गया है, सिंपली कट कर देना है। और देख सकते हो हमारा रिज्यूम कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर आप ब्लैक रखोगे, ब्लू, जो चाहे आप रख सकते हो। सिंपली ब्लैक रख के PDF डाउनलोड हो चुकी है। अब खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है, और अब 5 मिनट में अपना रिज्यूम तैयार हो चुका है। तो वीडियो अच्छा,
सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसी वीडियो पाना जल्दी से जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटी का ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।